न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रेलवे कर्मचारियों की, जिनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने अपने सभी मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को राहत देने के लिए एक नया कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल नीति में एक नया और बड़ा बदलाव किया है। रेलवे अपने सभी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि UMID कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड से सभी कर्मचारी रेलवे के पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी अखिल एम्स में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि भारतीय रेलवे ये कार्ड 100 रूपये में अपने कर्मचारियों के लिए मुहैया कराएगा। रेलवे की इस नई व्यवस्था से लगभग 12,05,000 कर्मचारियों, 15 लाख से अधिक पेंशनर्स और करीब 10 लाख आश्रितों को लाभ होगा। रेलवे के मुताबिक आपातकालीन या फिर सामान्य उपचार के लिए भी इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी रेलवे कर्मचारी के पास UMID कार्ड नहीं है तो उनका UMID नंबर भी उपचार के लिए मान्य होगा। रेलवे ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ अस्पतालों के लिए रेफरल जारी किया जाएगा, जो 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। UMID कार्ड हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम HMIS के माध्यम से डिजी लॉकर में रखा जा सकेगा। इसके साथ ही ये कार्ड रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रोफाइल पर भी मौजूद रहेगा। जाहिर है ये भारतीय रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल है, जिसका फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी उदय गुप्ता ने मुगलसराय में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। रेलवे ने फैसला किया है कि आप लोगों का जो उम्मीद कार्ड बनेगा वो 100 रूपये में बनेगा और एम्स और PGI जैसे हॉस्पिटल्स में आपका, आपके आश्रितों का इलाज होगा, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत सराहनीय कदम है। अगर उस कार्ड के आधार पे एम्स और PGI में हमको मेडिकल की सुविधा मिलती है तो बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कार्य है रेल का, रेल कर्मचारियों के लिए। इसके लिए हम रेल मंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। सराहनीय है रेल कर्मचारियों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी असुविधा हम लोग को पहले जो उम्मीद कार्ड बना हुआ था उसमें रेफर की सुविधा थी। अगर रेफर की सुविधा ना हो, डायरेक्ट हमको किसी भी जो भी रेल से जो भी हॉस्पिटल इन रेल से रेल के अंतर्गत आ रहे हैं वहाँ जाके हम उम्मीद कार्ड दिखाकर इलाज करा सकें, अगर ये हो जाए तो हम लोग के लिए और ज़्यादा सुविधाजनक होगा। सराहनीय है, पर यहाँ पर हम लोग पहले रेलवे हॉस्पिटल में जाते थे, रेफर के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ करना पड़ता था। इससे हुआ कि हम सीधे जाके इलाज करा लेंगे तो अच्छा है। ये फैसला बहुत ही अच्छा है, इसमें उम्मीद कार्ड के तौर पर हम और भी जगह इलाज कराने गए थे रेफर कराने में, जिसमें कि उनको काफ़ी टाइम समय लग गया था। अगर ऐसा हो जाता तो हम जैसा कि रेलवे ने आप बता रहे हैं जिस तरह से हुआ है तो उसमें हमको बहुत कम समय में और बहुत अच्छी सुविधा मिलती। ये हमारे माननीय रेल मंत्री को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है उनका कि वो हमारे रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा सोच मतलब रखते हैं और अच्छा से अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जो कि अब आसान हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कहीं भी किसी भी अन्यत्र शहर में गए हुए हैं और हमें इलाज की आवश्यकता होती थी तो हमें मंडल रेल हॉस्पिटल में रेफर कराना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट जाकर ट्रीटमेंट अगर करा पाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा और हर हम कर्मचारी के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। सीनियर सिटीजन को थोड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि वो एक उम्र के बाद इतना भागदौड़ नहीं कर पाते थे। अगर ये डायरेक्ट सुविधा हो जाती है तो ये उनके लिए भी और भी ज्यादा आसान होगा, कहीं भी रह के कहीं भी वो ट्रीटमेंट करा सकेंगे और इससे अच्छी सुविधा तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। तो एक रेल का बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम होगा।